नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक की मांग को खारिज कर दिया। अप्रैल महीने में राहुल गांधी ने निचले अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था और मानहानि के मामले में दी गई अधिकतम सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। माही आज 42 साल के हो गए हैं, जिसे लेकर देश दुनिया के लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कई राजनीतिक और सामाजिक के साथ साथ आम लोग भी लगातार धोनी को बधाई दे रहे हैं। मणिपुर में पिछले 2 महीने से जारी हिंसात्मक घटनाओं में अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। राज्य में जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। इस बीच अमेरिका ने मणिपुर में शांति बहाली के लिए मदद की कोशिश की है। अमेरिकी राजदूत एरिक गर्सेटी ने कहा है कि वह राज्य में स्थिति पर काबू पाने के लिए भारत की मदद करने के लिए तैयार है। पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन जा चुकी है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अपने पैन और आधार को लिंक करवाने से चूक गए हैं। अब उन लोगों का पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो चुका है। जिन लोगों का पैन इनऑपरेटिव हो चुका है, वे अब म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये से अधिक लेन देन नहीं कर पाएंगे। वही विदेश यात्रा या फिर विदेश मुद्रा में भी 50,000 रुपये से अधिक का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली के ट्वीट के जरिए खालिस्तानियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ऐसा करने पर किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानी समर्थकों द्वारा प्रदर्शन करने की धमकी की बात कही गई थी। जहां एक ओर अमेरिका, यूरोप और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत ने भी चीन के खिलाफ गोलबंदी शुरू कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक ऐसी टीम तैयार कर ली है जो ट्रेड और बिजनेस के मोर्चे पर चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार है। भले ही चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय कारोबार लगातार बढ़ रहा, फिर भी चीन से आयात को कम करने की कोशिश भारत लगातार कर रहा है। चीन के खिलाफ इस गोलबंदी में अमेरिका, ब्रिटेन और जापान तो है। इस बार ताइवान, स्वीडन, साउथ कोरिया और जर्मनी को भी इस फेडरेशन में शामिल किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा है कि यूसीसी को लागू करने की कोशिश करना एक धोखा था। उन्होंने समान नागरिक संहिता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इससे किसको फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यह तैयारी हिंदू राष्ट्र की विचारधारा से जुड़ी है। कल मेटा ने ट्विटर के कॉम्पिटिटर थ्रेड ऐप को लॉन्च कर दिया, जिस पर अब सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन से लेकर आम लोग भी आ गए हैं। थ्रेड ऐप एक दिन में यूजर्स के सिर चढ़कर बोल रहा है। ट्विटर पर हाल ही में कई बदलावों के चलते प्लेटफॉर्म के यूजर्स काफी नाराज है। टेक्स्ट बेस्ड थ्रेड ऐप लॉन्च होने के 24 घंटे में एलन मस्क ने मेटा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। हाल ही में ट्विटर पर एलन मस्क का एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मस्क ने मार्क जुकरबर्ग को चीटर भी बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले खालिस्तानी पोस्टर अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं, हमने यह मुद्दा कनाडा सरकार के समक्ष उठाया है। अरिंदम बागची ने कहा है कि यह मुद्दा अभिव्यक्ति की आज़ादी का नहीं, बल्कि हिंसा को भड़काने, अलगाववाद को बढ़ाने और आतंकवाद की वकालत का है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवादी तत्वों को कोई जगह नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली के मशहूर लाजपत नगर मार्केट में बम धमाके के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिन्होंने इस बम धमाके को अंजाम दिया और भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम किया। लाजपत नगर में हुए बम धमाके में 13 लोगों की मौत हुई थी और 38 लोग इसमें घायल हुए थे। इस घटना के 27 साल बाद कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि आदिवासियों और पिछड़े समुदाय के अलावे अन्य लोग भी वनवासी समुदायों के अभिन्न अंग है, जिन्हें आमतौर पर इस रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी माना है कि सक्षम अथॉरिटी की ओर से सुनवाई के बिना किसी को भी भूमि के कब्जे का पर्याप्त अधिकार नहीं दिया जा सकता या अस्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश पर जिले के अधिकांश माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन लगाई जा चुकी है। इसी महीने से सभी शिक्षक अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम से बनाने पर भी लगे हैं। अब शिक्षक मोबाइल ऐप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बायोमेट्रिक सिस्टम के कारण शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार हुआ है। बिहार में अब हरे चावल की खेती भी की जा रही है। पूर्वी चंपारण जिले के सागर चुरामन गांव के रहने वाले किसान प्रयोग देव सिंह पिछले 3 सालों से विभिन्न प्रदेशों से उपजाए जाने वाले चावल की किस्मों को अपने जिले में उगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने हरे चावल की खेती का नया प्रयोग किया है।
बिहार सहित देश भर में माल गाड़ियों को समर्पित रूट से चलाने की दिशा में भारतीय रेल ने नया मुकाम स्थापित किया है। अब हर 10 मिनट पर रेल की नई पटरियों पर एक मालगाड़ी चलाई जा सकेगी। इससे ना तो यात्री ट्रेनें प्रभावित होंगी और ना ही रेल की पटरियों के मेंटेनेंस के लिए लंबी अवधि का ट्रैफिक ब्लॉक लेना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इससे बिहार में ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाएगी। बिहार कोकिला और देश की लोकप्रिय लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा अकेडमी रत्न पुरस्कार की प्रबल दावेदार है। संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली की आगामी बैठक में उनके नाम पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के आसार हैं। बता दें कि संगीत नाटक अकेडमी रत्न राष्ट्रीयता नस्ल जाति धर्म पंथ या लिंग के भेदभाव के बिना देश का सर्वोच्च कला सम्मान है। दुनिया भर में डायबिटीज की बीमारी ने हेल्थ केयर सिस्टम पर गंभीर चुनौती लाकर खड़ा कर दिया। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि 2050 तक विश्व में डायबिटीज मरीजों की संख्या 1 अरब के पार कर जाएगी। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 8 करोड़ लोग पहले से ही डायबिटीज से पीड़ित हैं और 2045 तक यहाँ के 13 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार होंगे। यही कारण है कि अभी इसे भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाने लगा है। डायबिटीज के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि 2050 तक विश्व में हर 7 या 8 में से एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित होगा। भारत में कहीं भी माहौल बिगड़ने पर सरकार का सबसे पहला कदम होता है कि वहां का इंटरनेट बंद करना। इंटरनेट सेवाएं बंद करने के मामले में अगर वैश्विक आंकड़े देखे जाएं तो भारत इसमें नंबर 1 पर आता है। भारत में कई ऐसे वाक्य सामने आते हैं जिनमें इंटरनेट पर पूरी तरह से प्रतिबंधित लगाकर सरकार किसी क्षेत्र विशेष में हालात काबू करने की कोशिश करती है। हाल ही में मणिपुर में भड़के हिंसा में राज्य सरकार ने इंटरनेट पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। जातिगत गणना के मामले को लेकर लगातार 3 दिनों से सुनवाई जारी है। आज चौथे दिन भी इस मामले को लेकर सुनवाई की गई। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्र की बेंच ने सुनवाई हुई। इस दौरान एडवोकेट जनरल पीके शाही ने कहा कि सर्वेक्षण कराना राज्य सरकार का अधिकार है। पीके शाही ने यह भी कहा कि आर्थिक और जातीय सर्वे जरूरी है, यह कोई कास्ट सेंसस नहीं है। जातिगत गणना से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जातीय गणना के बाद इसका लाभ भी दिखेगा। सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों तक लाभ पहुँचाई जाएगी, ऐसे लोगों के हालात में सुधार होगा। पीके शाही ने कहा कि जातिगत सर्वेक्षण का काम अभी 80% हो चुका है। बताया जा रहा है कि 10 जुलाई दिन सोमवार तक कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। मॉनसून का आगाज हो चुका है, इसके साथ ही खेती किसानी का काम भी शुरू हो गया। चिड़िया के जगने से पहले किसान खेत में पहुंच रहे और खेती बाड़ी का काम शुरू कर रहे हैं। ऐसे में खाद बीज और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए किसानों को पैसे की किल्लत नहीं होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कल ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष निर्देश दिया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में ऋण की पहुंच बढ़ाने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्री का जोर खासकर छोटे और सीमांत किसानों और सूक्ष्म उद्यमों पर है। समान नागरिक संहिता कानून का विरोध बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह तय किया है कि देश के 1 करोड़ मुस्लिम द्वारा विधि आयोग को पत्र लिखकर इस कानून का विरोध दर्ज कराएंगे। समान नागरिक संहिता कानून का असर सिर्फ मुस्लिम धर्म के कानूनों पर ही नहीं बल्कि अन्य धर्म के कानूनों पर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बुधवार को करीब 3 घंटे ऑनलाइन बैठक चली। अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने वाले अपने पोस्टरों के लिए तीखी आलोचना का सामना कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसने स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय मिशनों का घेराव करने की धमकी दी है। द हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार SFJ के कानूनी वकील गुरपंत पन्नू ने बुधवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने शनिवार 8 जुलाई को खालिस्तान स्वतंत्रता रैली आयोजित करने की योजना का जिक्र करते हुए नवीनतम धमकी दी है। बिहार विधानसभा के अंदर ही नहीं सदन के बाहर पोर्टिको में दिए विपक्षी सदस्यों के बयान को तवज्जो देना सभी मीडिया के लिए आसान नहीं होगा। RJD कोटे से विधानसभा अध्यक्ष बने अवध बिहारी चौधरी ने मॉनसून सत्र के पहले शुक्रवार को प्रेस सलाहकार समिति की बैठक कर सलाह दी कि प्रजातंत्र को शर्मसार करने वाले हल्के बयानों को नज़रअंदाज किया जाए। हल्का या प्रजातंत्र को शर्मसार करने वाला बयान क्या होता है, इस पर अब बहस होगी। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष के लिए यह मुद्दा बन सकता है क्योंकि विपक्ष पहले ही चौधरी पर बातों को दबाने और समय नहीं देने का आरोप लगाता रहा है। इसके अलावा विपक्ष कई मुद्दों पर वॉकआउट कर सदन के बाहर ही मीडिया के सामने अपनी बात रखता है। बिहार के CM नीतीश कुमार के गृह जनपद नालंदा से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो फर्जी नाम से यहाँ रह रहा था। नागरिक मूल रूप से रूस का रहने वाला है और वह बीते 3 सालों से बिना वीजा के भारत में रह रहा था। इतना ही नहीं, उसने अपना नाम भी बदल लिया था और भारत का आधार कार्ड भी बनवा लिया था। पुलिस ने रूसी नागरिक के पास से फर्जी आधार कार्ड और उसका समाप्त हो चुका वीजा भी बरामद किया। वह 2020 में टूरिस्ट वीजा पर आया था और फिर अपने देश रूस वापस नहीं गया।
सीजीआई धनंजय वाई चंद्रचूड़ के सामने एक मामले के सुनवाई के दौरान अजीब हालात बन गए। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के रोकने के बावजूद एक वकील लगातार दलीलें देता रहा, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वकील की दलीलों से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अपनी एक टिप्पणी के कारण विवादों में घिर गए हैं। विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। प्रचंड ने हाल ही में बयान दिया था कि नेपाल में रहने वाले एक भारतीय मूल के कारोबारी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारत से बात की। दिल्ली में ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों के आगे खड़े होकर भीख मांगने वाले किन्नर अक्सर दिख जाते हैं, लेकिन अब दिल्ली मेट्रो में चढ़कर भी किन्नरों ने भीख मांगना शुरू कर दिया है। दिल्ली मेट्रो का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मेट्रो कोच के अंदर एक किन्नर मेट्रो पैसेंजर लड़के से पैसे मांगते हुए नजर आ रही है। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग दिल्ली मेट्रो को टैग करके काफी आलोचना कर रहे हैं। आरएसएस को कथित मानहानि करने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को भिवंडी कोर्ट में पेश हुए, जहां कोर्ट ने तय किया कि आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा चलेगा। कोर्ट में पेशी के दौरान राहुल गांधी ने खुद को बेकसूर बताया है। उनके इस बयान के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सऊदी अरब के पूर्व कानून मंत्री और उदारवादी इस्लाम के अंतर्राष्ट्रीय आवाज माने जाने वाले मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इसा अगले सप्ताह भारत आ सकते हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से अब्दुल करीम अल इसा के भारत दौरे की खबर देते हुए लिखा कि पूर्व सऊदी मंत्री भारत में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात करेंगे। पंजाब में जलंधर के करतारपुर में शेर के बच्चे की सौदेबाजी सामने आई। यहाँ व्हाट्सएप पर शेर के बच्चे की डील की जा रही थी, इसकी बनक वन एवं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन विभाग को लग गई। उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके बाद तीन आरोपियों मनीष कुमार उर्फ लक्की निवासी नौ गजा करतारपुर, अनमोल निवासी तेज मोहन नगर और दीपांशु अरोड़ा निवासी देउल नगर जलंधर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने छह महिला पहलवानों की यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ समन जारी किया है। उन्हें 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होना है। वहीं नाबालिग पहलवान के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अमन कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन राम, रविशंकर नौसाद अंसारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है, इनके जन्मदिन के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।